नमस्कार, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम देखते हैं कि कोविड का भय जो है वह लगभग जा चुका है, क्योंकि लोग बिना मास्क के घूमते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वैक्सीन लगवा लिया है तो अब कोविड का क्या भय। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ठीक है, हमने भय से लड़ना सीख लिया है, कोविड जैसे संक्रमण से लड़ना सीख लिया है, लेकिन मास्क को हम लोग भूले नहीं, और जहाँ भी जाएं भीड़ में जाने से बचें। माना कि कोविड का संक्रमण कम है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें और उन सारे प्रोटोकॉल का पालन करें जिसे हमने कोविड के भयानक संक्रमण के बीच पालन किया था, तो हमारा आज भी सुरक्षित होगा और कल भी सुरक्षित होगा। इसी बीच एक बात और अभी बहुत ही सामान्य हो गई है कि वैसे तो सब लोग कोविड का वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ अभी भी गर्भवती महिला को लेकर के हैं कि गर्भवती महिला किस माह में कोविड वैक्सीनेशन करवाए, पहले माह में, दूसरे माह में, तीसरे माह में, या गर्भ के आठवें माह में, नौवें माह में, ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी भी है। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए आज का यह वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप इसका पालन भी करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि लोग जागरूक हों अपने स्वास्थ्य के प्रति, कोविड के प्रति, और अन्य स्वास्थ्य रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उन जानकारियों की को वो जानें, ताकि खुद को कैसे स्वस्थ रखेंगे इस विषय पर वो आगे अपना देखभाल कर पाए। तो मेरा ये कहना है कि डरे नहीं कोविड को लेकर, संक्रमण आते जाते रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है कि जो नियम अपनाए जाते हैं संक्रमण को दूर करने में उसे हम अपनाते रहें। गर्भवती माताएं ध्यान दें, वे अपने गर्भ की किसी भी माह में इंजेक्शन ले सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें यह पता होता है कि गर्भ का जैसे ही पता चले तो टिटनेस का इंजेक्शन लेना है। जी हाँ, गर्भ के पता चलते ही आप 3 माह के पहले और 2 माह के बाद टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लें, उसके 1 माह के बाद फिर टिटनेस के दूसरा टीका को आप लगवाएं। इस तरह से आपका 2 टिटनेस का टीका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें कि कोविड वैक्सीनेशन करवा लें, और फिर 3 माह के बाद यदि कोविशील्ड लिया है तो 3 माह के बाद यानी 84 दिन के बाद, और यदि आपने कोवैक्सीन लिया है तो 28 दिन के बाद दूसरी डोज भी लगवा सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं होता है कि वो गर्भधारण कर चुकी हैं और कोविड वैक्सीनेशन करवा लेती हैं, यानी पहली डोज लग गई जब उन्हें यह पता नहीं थी कि उन्हें गर्भवती वो हो गई हैं, तो वो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, पहला टीका उन्हें लिया है। अब पहला टीका लेने में और दूसरा टीका लेने में यदि 28 दिन का गैप है, यानी कोवैक्सीन लगवाई है तो 28 दिन के बाद आप लगवा सकती हैं, यदि कोविशील्ड है तो आप क्या करें कि पहले टीका लगने के ठीक 1 माह के बाद टीटी का पहला टीका लगवा लें, उसके बाद आप टीटी का दूसरा टीका लगवा लें 1 माह के बाद। फिर 2 माह तो ऐसे ही बीत जाएगी और तीसरे माह में कोविड वैक्सीनेशन करवा लें। वेरी सिंपल। कभी भी यह ना सोचें कि अभी तीसरा महीना चल रहा है, चौथा महीना चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप गर्भ के किसी भी माह में आप इंजेक्शन ले सकती हैं, यह पूरी तरह सुरक्षित है, यह आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और आप में रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उसको वो बढ़ाता है। तो उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें, और शेयर इसलिए अधिक से अधिक करें क्योंकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ताकि मेरा वीडियो बनाना सफल हो सके। धन्यवाद।